what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं खाउसे, जो कि मेमनी डिश है और इसको बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं। स्पेगेटी होने की वजह से बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। इसके तीन स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप है इसका कढ़ी का, क्योंकि कढ़ी पकने में टाइम लगेगा। इसके लिए हमने लिए है एक अदद अनियन लिए है, मीडियम साइज़ की गार्लिक है 10 से 12 जवे। इसको हमने जो है एक जूसर में पेस्ट बनाने के लिए हमने इसको जूसर में डाल लिया। आप चाहें तो वैसे भी चॉप करके डाल सकते हैं, बेसन सारी चीज़ें एक साथ मिक्स करके। और अच्छा, इसके लिए मैंने एक पाव दही ले लिया है, एक पाव दही का पानी लिया है, एक पाव दही लिया है, बेसन लिया, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, एक गिलास बेसन लिया है। इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके एक बड़े बर्तन में हम इसको डाल देंगे, एक मिक्सचर को डाल के। फिर हम इसमें मसाले डालेंगे जी। तो मसालों में मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून साल्ट और 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च। इसको हम मिक्स करके और फिर पकने के लिए रख देंगे। इसमें हम तकरीबन 8 गिलास पानी शामिल करके इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। पहले हम आंच को तेज़ रखेंगे, जब इसमें कढ़ी में उबाल आ जाएगा, एक बॉईल आ जाएगा, तो हम हल्की आंच करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे इसको लगेंगे पकने के लिए। अच्छा, मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाला है ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालें, ना डालना चाहें ना डालें, इससे अच्छा सा कलर आ जाता है येलो, तो इसलिए मैंने इसमें फूड कलर शामिल किया है। अब हम इसे पकने के लिए रख रहे हैं। ये देखें, ये कढ़ी में बॉयल आना शुरू हो गया। अब मैं इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूँगी। ये देखें, ये तकरीबन 1.5 घंटे बाद कितना इसका पानी खुशक हो गया है। ये तकरीबन रेडी होने पर है। मैं इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी, कड़ी पत्ता और मोटी हरी मिर्ची शामिल कर दूँगी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी इसमें। स्टेप टू में हम कर रहे हैं स्पेगेटी बॉयल। इस ये तकरीबन 450 ग्राम का पैकेट है बैक पाउडर का। पानी में हमने नमक डाल के इसको बॉयल कर लिया, स्पेगेटी डाल के इसको फुल बॉयल कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल डाल दिया ताकि एक साथ चिपके नहीं, अलहदा अलहदा रहें। अब इनको फुल बॉयल करके हम इनको छान लेंगे छन्नी में छान के, और जो इस पर ठंडा पानी डाल देंगे ताकि ये आपस में जॉइंट ना हो। और नमक हर चीज़ में बिल्कुल सही होना चाहिए, नमक कम नहीं होना चाहिए, तो तभी मज़ा आएगा खासोई का। अब स्टेप 3 पे हम कर रहे हैं इसका सालन तैयार। इसके लिए हमने लिए 1/2 kg बोनलेस चिकन क्यूब्स में, छोटे छोटे क्यूब्स किए हुए। तकरीबन 1 पाव टमाटर का पेस्ट बना लिया हमने, और ये ऑयल गरम करके इसमें हमने गार्लिक डाल लिया। ये गार्लिक गार्निश के लिए, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अभी हम ऑयल में फ्राई करके निकाल लेंगे इसको, और फिर एक अदद अनियन जो हमने चॉप की हुई रखी है ये डाल देंगे, ये ऑप्शनल है। अनियन को लाइट ब्राउन करके हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे 1 टेबल स्पून। इसको सोते करेंगे और इसमें अब हम डाल देंगे चिकन। चिकन को फ्राई करेंगे, फिर इसमें हम डालेंगे स्पाइसेस। इस स्पाइसेस में हम डालेंगे नमक, हल्दी। हल्दी जाएगी 1/4 टीस्पून, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें, और पिसा धनिया जाएगा 1 टेबल स्पून, पिसी लाल मिर्च जाएगी 1 टीस्पून, और इसमें कुटी लाल मिर्च डलेगी इसमें 1 टेबल स्पून। बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है इसका, और थोड़ा ये स्पाइसी होगा तो मज़ा आएगा। अब हमने टोमेटो पेस्ट भी इसमें शामिल कर दिया, और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। 200 ग्राम तकरीबन इसमें दही ऐड करके हमने इसको मिक्स कर लिया, और थोड़ी देर पकने के लिए रख देंगे। 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा भून कर पीस लेंगे।
इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब देखें इसका दही और टमाटर का पानी तकरीबन खुशक हो गया है और अब हमने इसमें हरी मिर्ची शामिल कर दी, ज़ीरा डाल देंगे और थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे। अच्छा ये सालन इतना मज़े का बनता है कि अगर हम खाउसी के बग़ैर वैसे भी खाएंगे तो रोटी पराठे या पूरी वगैरह के साथ भी बहुत ही अच्छा लगता है। चंद पत्ते कड़ी पत्ते के भी डाल देंगे हम इसमें। जी तो ये तीनों चीज़ें तैयार हो गई हैं, स्पेगेटी, कड़ी और ये सालन। और इसके साथ ये गार्निश का सामान है, लेमन, हरा धनिया, हरी मिर्च। जी अब जबकि ये सारी चीज़ें तैयार हो गई तो अब सब्र नहीं हो रहा, झटपट ये सब अपनी प्लेट तैयार करी और अब हम इसको एंजॉय करेंगे। बहुत ही मज़ेदार खाउसी तैयार हैं, आप भी ट्राई करिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।